लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से जिले के अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में तटवर्ती कई गांव चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में। ऐसे में बाढ़ क्षेत्र गांव में शादी है, वहां पर नाव से बारात ले जाना व विदाई कराकर वापस लाना बहुत जोखिम भरा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर जिले के अंतर्गत डुमरेगंज तहसील क्षेत्र के परसोया सदानंद की, जो जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ रात में एक परिवार की लड़की की शादी थी। गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी इस तरह भरा हुआ कि करीब 3 किलोमीटर का सफर नाव के एकमात्र सहारा बचा। ऐसे में बरातियों को शादी वाले घर से लेकर दुल्हन की विदाई तक नाव से हुई। वो गांव में सुगम पुत्री कामेश्वर पांडे की शादी थी। बरात त्रिलोकी पुत्र जय मंगल पांडे गाँव चौथरी थाना इटवा से आए। बरात जैसे ही बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत डुया थाना उतरौला बलरामपुर पहुंची तो चारों तरफ पानी ही पानी देखकर बराती दंग रह गए। करीब 30 बराती वहां से वापस अपने गांव चले गए। दूल्हे के साथ करीब 30 लोग नाव के सहारे 3 किलोमीटर का सफर तय करके परसोया सदानंद पहुंचे। आने जाने में सुबह हो गई, विदाई नाव से हुई। नाव पर दूल्हा दुल्हन बैठ कर वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो महिलाओं की भीड़ दुल्हन देखने के लिए जुट गई। कहाँ के रहने वाले हो? किस जिले में पड़ता है? सिद्धार्थ नगर। कहाँ शादी आपकी हुई है? परसोया। किस जिले में पड़ता है? सिद्धार्थ नगर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, बाढ़ से सब दिक्कत हुआ है। ना ऐसे हम लोग गए हैं, व्यवस्था सब हुआ था, उधर से आए हैं, व्यवस्थित मतलब विदाई भी हुआ। ठीक।